हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुलकरनैन और आप देख रहे हैं सेलोटेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको गूगल क्रोम के कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगा। तो शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम शॉर्टकट कीज़ को क्यों यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट कीज़ को हम एफिशिएंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एफिशिएंसी चाहते हैं अपने काम में, मतलब स्पीड चाहते हैं, हमारा काम जल्दी हो जाए, तो हम शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं, उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास, आपको कीबोर्ड में शॉर्टकट कीज़ यूज़ करना आती हो। इसी वजह से हम शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको एक पेज के ऊपर पूरे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको सिलेक्ट करना है, तो आपको माउस से ड्रैग ड्रैग करके नीचे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन यही काम आप बहुत जल्दी से कंट्रोल ए करके यूज कर सकते हैं। तो आए चलते हैं हम मैं गूगल क्रोम के कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर गूगल क्रोम शॉर्टकट कीज आप लिखेंगे। ये लिखने के बाद आपको सेकंड पे क्रोम कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पर सपोर्ट्स नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले जो टैब्स शो हो रहे हैं, कंप्यूटर, एंड्रॉयड और यहाँ आईफोन और आईपैड के शॉर्टकट कीज यहाँ पर शो हो रहे हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज देखेंगे। तो विंडोज़ और लिनक्स के अंदर मैं सबसे पहले वाला टैब एंड विंडोज शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा। तो ये सब आपको यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये सब शॉर्टकट कीज है। गूगल क्रोम के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर मैं कोई भी न्यू विंडो ओपन करना चाहता हूँ, तो न्यू विंडो ओपन करने के लिए यहाँ पर मुझे कंट्रोल एन करूँगा तो मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। तो सिर्फ कंट्रोल एन को प्रेस करने के बाद आपके पास न्यू विंडो ओपन हो गई है। और अगर मैं मैन्युअली माउस से करूँगा तो मुझे यहाँ से क्लिक करने के बाद न्यू विंडो क्लिक करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ मेरी जो न्यू विंडो है वो इनकोग्निटो मोड पे ओपन हो, तो विंडोज़ को इनकोग्निटो मोड पे ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं मेरे पास विंडो जो है वो इनकॉग्निटो मोड पे ऑन हो गई है, ओपन हो गई है सॉरी। उसके बाद अगर मैं मैन्युअली माउस से करूँगा तो मुझे यहाँ पर जाके यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ मैं अपना न्यू टैब, सपोज कर लें ये मेरे पास एक टैब है, मैं एक और टैब ओपन करना चाह रहा हूँ इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक करना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं शॉर्टकट कीज़ यूज़ करूँ तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक न्यू टैब ओपन हो गया है। इस तरीके से उसके बाद हमारे पास रीओपन प्रीवियसली क्लोज टैब्स इन इन द ऑर्डर दे आर वर क्लोज। सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ भी सर्च किया, सपोज कर मैंने यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब ओपन करने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद मैं चाहता हूँ मेरे पास जो लास्ट ओपन टैब है मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ, तो लास्ट ओपन टैब को रीओपन करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट टी का यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट टी करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास दोबारा यूट्यूब ओपन हो गया। तो इसी तरीके से जंप टू द नेक्स्ट ओपन, सपोज कर मेरे पास यहाँ पर एक और टैब ओपन है और यहाँ पर मैंने इसी तरीके से एक और कोई भी ओपन कर लिया। तो अगर मैं नेक्स्ट टैब पर जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट टैब पे चला गया। इसका मतलब जैसे ही इसको कंट्रोल टैब करता रहूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट नेक्स्ट टैब पर जाता रहेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं सपोज करें इस वाले यूट्यूब के टैब में आया हूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट वाई करूँगा तो मेरे पास दोबारा पहले वाले टैब पर चला जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ मैं किसी स्पेसिफिक टैब पे जाऊँ, सपोज मेरे पास ये थर्ड टैब है, तो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट तो आप देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट, सेकेंड और ये मेरा थर्ड टैब है। तो थर्ड टैब पे जाने के लिए मैं कंट्रोल थ्री करूँगा तो मेरे पास तीसरे टैब पर चला जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है जंप टू द राइट मोस्ट। अगर मैं राइट मोस्ट टैब पर जाना चाहता हूँ, जो मतलब सबसे लास्ट टैब होगा मेरा, उस पर जाना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल एल नाइन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट पे चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम गूगल क्रोम के अंदर अपना ओपन योर होम पेज इन द करंट टैब ओपन करना चाहते हैं करंट टैब के अंदर, तो मैं यहाँ से ऑल्ट होम करूँगा। तो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, यहाँ पर ऑल्ट होम करूँगा तो ये मेरा होम पेज पे चला जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ओपन प्रीवियस पेज फ्रॉम योर ब्राउजिंग हिस्ट्री इन द करंट टैब। अच्छा, ये आपको बोलेंगे ओपन द प्रीवियस पेज फ्रॉम योर ब्राउजिंग, हमारी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, इस ब्राउजिंग हिस्ट्री से अगर हम प्रीवियस पेज ओपन करना चाह रहे हैं तो हम ऑल्ट लेफ्ट एरो करेंगे।
आपके पास ये प्रीवियस पेज ओपन हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्लोज द करंट टैब। अगर हम करंट टैब को क्लोज करना चाहते, सपोज हम इस microsoft.com के इस टैब को क्लोज करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल W को प्रेस करूँगा तो मेरा ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज द करंट विंडो। अगर मैं इस पूरी विंडो को क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट करूँगा तो मेरी पूरी विंडो क्लोज हो जाएगी। इसी तरीके अगर मैं इस विंडो को मिनिमाइज करना चाहता हूँ, मैं ऑल्ट स्पेस एन कर दूंगा, ऑल्ट स्पेस एन करूँगा तो ये मेरी विंडो जो है ये मिनिमाइज हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये मेरी विंडो मिनिमाइज हो गई। और इसी तरह मैक्सिमाइज करने के लिए ऑल्ट स्पेस एक्स यूज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम विंडोज़ के अंदर गूगल क्रोम के अंदर शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको और भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।